हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया है। तो अब बात यह निकल के आ रही है कि एनआईएस भी क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम्स को कैंसिल करके बच्चों को प्रमोट करेगी। कई सारे बच्चे मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि सर एनआईएस के ऊपर वीडियो डालिए, जिससे हमें पता चल सके कि एटलीस्ट एनआईएस की लेटेस्ट खबरें क्या है। बेसिकली अभी एनआईएस ने कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया है, लेकिन जल्द एनआईएस क्या करेगी, इस पर एक नोटिस जारी करेगी और बताएगी कि हम भी एग्ज़ाम्स नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, क्योंकि सीबीएसई भी एक सेंट्रल बोर्ड है और एनआईएस भी क्या, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है। ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और जो स्टेट्स बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं होती है। तो हम बात करते हैं, सीबीएसई एक सेंट्रल बोर्ड है जो कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर चुकी है, क्योंकि जो सीबीएसई करेगी वही एनआईएस करेगी, या आपको पता है, क्योंकि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स के जस्ट 15-20 दिन बाद ही एनआईएस के एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट होते हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा। इसी प्रकार सीबीएसई ने एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया है, तो उसी प्रकार एनआईएस भी एग्ज़ाम्स को कैंसिल करेगी। जस्ट आप ऑफिशियल नोटिस आने का वेट कीजिए, लेकिन इसके लिए हम अपने तरफ से कुछ एफर्ट करेंगे, जिससे बच्चों को एनआईएस के बच्चों को भी प्रमोट मिल सके। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वो ट्विटर अकाउंट का लिंक है। मैं ट्वीट करूँगा, आप उस ट्वीट को जितना हो सके उतना रीट्वीट कीजिए। एनआईएस को हम टैग करेंगे और हम बोलेंगे कि एनआईएस के बच्चों को भी क्या करें, प्रमोट किया जाए, क्योंकि आपको पता है ट्विटर अकाउंट्स डायरेक्टली क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। और जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, वो भी इनका यूज करते हैं। हम उनको टैग करेंगे और एनआईएस को भी क्या करेंगे, टैग करेंगे, जिससे एनआईएस तक हमारी बातें पहुँच सके। इससे पहले आपको पता होगा कुछ दिन पहले नो एग्ज़ाम इन कोविड ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, नो एग्ज़ाम प्रमोट ऑल स्टूडेंट्स, ये क्या हो रखा था, ट्विटर पर ट्रेंड हो चुका था। इसीलिए ये ट्विटर का असर ही सीबीएसई पर पड़ा है और सीबीएसई ने क्या किया, एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो मैं भी क्या करता हूँ, अभी एक ट्वीट करता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस ट्वीट को जितना हो सके रीट्वीट कीजिए, एनआईएस को टैग कीजिए और कहिए कि प्रमोट ऑल स्टूडेंट्स और प्रमोट ऑल एनआईएस स्टूडेंट्स। और जैसे ही कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगा, मैं सबसे पहले आपको इस चैनल पे बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको, अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, किसी भी वीडियो के भ्रम में ना पड़े, जो भी आपको अदर यूट्यूबर्स बताते हैं उनके चक्कर में ना पड़े, आप ऑफिशियल नोटिस आने का वेट करें। लेकिन मैं श्योर हूँ कि जल्द आपको भी प्रमोट किया जाएगा, 3 दिन का वेट कीजिए बस, ज़्यादा नहीं। आज 25 तारीख है, 3 दिन वेट कर लीजिए, 28 जून तक आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि एनआईएस एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करा सकती। जब देश के इतने बड़े बोर्ड सीबीएसई, वैसे तो बोर्ड कोई बड़ा नहीं होता, सब बोर्ड की वैल्यू इक्वल होती है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे एनआईएस हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, हर बोर्ड की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। किसी भी बोर्ड्स में हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, हर बोर्ड इक्वल है। लेकिन आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड रेपुटेशन के मामले में बहुत ही ज़्यादा आगे है, तो यदि सीबीएसई बोर्ड कैंसिल एग्ज़ाम्स को कर सकती है और बच्चों को प्रमोट कर सकती है, तो एनआईएस बोर्ड भी डेफिनेटली बच्चों को प्रमोट करेगी। बस आप 3 दिन का वेट कीजिए, लेकिन हमें अपने तरफ से उम्मीद नहीं छोड़नी होगी। आप क्या कीजिए, जो ट्विटर पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको रीट्वीट कीजिए जितना हो सके। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, थैंक यू सो मच। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।